सो ये व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो सब। तो आज भी काफी सारे इंटरेस्टिंग न्यूज आया था, वीडियो का लास्ट में देखिएगा। इसी यूट्यूब कम्युनिटी से अपडेटेड रहना चाहते तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं फुकरा इंसान के बारे में। तो अभी फुकरा इंसान बिग बॉस के बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। तो उसके बाद बहुत सारे लोग उससे मिलने के लिए आए थे, मनीषा रानी, बेबिका, जिया शंकर, आशिका भाटी, वहाँ पर एलबीस यादव नहीं गए। तो इस चीज के ऊपर फुकरा इंसान का दोस्त जासूस खुश नहीं है। तो उन्होंने ट्विटर में कुछ वीडियो शेयर किया, जिस वीडियो उन्होंने ये कहा कि जितना दिन बिग बॉस उतना दिन ही भाईचारा। और उन्होंने ये भी कहा कि बेबिका तक उससे मिलने के लिए आए, लेकिन एल्विस क्यों नहीं आए। बाकी आप खुद देख लो उन्होंने इसके बारे में क्या कहा था। भाई बिग बॉस खत्म, भाईचारा खत्म। और ऐसा भाईचारा भाई मैंने पहली बार देखा है कि बंदे से इंसान हॉस्पिटल में मिलने तक नहीं आया। तो ऐसे भाईचारे को सलूट है भाई। बेबिका तक भी यार अभिषेक भाई से मिलने गए हॉस्पिटल में, और भाईचारा अभी तक ऑन द टॉप ही बोलेंगे। भाईचारा एक नंबर है भाई, एक नंबर भाईचारा है। और सो इस चीज के बारे में एल्विस यादव ने जो स्टोरी शेयर किया, जिस पर उन्होंने क्लियर किया जो लोग उसके ऊपर नेगेटिविटी फैला रहे हैं, जो लोग एक दूसरे को गाली वगैरह दे रहे हैं, उन्होंने पूरा क्लियर किया और नेगेटिविटी फैलाने के लिए मना किया है। आप खुद देख लो उन्होंने इसके बारे में क्या कहा। गाइस सोशल मीडिया पे एक चीज काफी फैल रही है, एक चीज नहीं बल्कि काफी चीजें फैल रही है कि एक तो एक दूसरे को नीचा, कहीं मेरी बुराई कहीं अभिषेक की बुराई, क्या भाईचारा खत्म, ऐसा कुछ नहीं है भाई। और कई लोग एक चीज पॉइंट आउट कर रहे हैं कि सब लोग हॉस्पिटल में मिलने गए, आप क्यों नहीं मिलने गए। भाई तुमने देखा होगा मैं इस चार दीवारी में बंद हूँ, अपनी मर्जी से तो मैं बंद रहूंगा नहीं, क्योंकि जहां से मैं आया हूँ वो वहां से बंद और यहां भी बंद। ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस बिग बॉस वालों ने ही मुझे इधर रखा हुआ है और खास बोला हुआ है कि आप नहीं जा सकते। मेरे को कोई शौक नहीं है, मैंने अभी फोन पे उससे बात भी करी, उसने बोला कि मैं डिस्चार्ज हो गया और उस मैं आज जाने वाला था, क्योंकि आज मेरे को कई मीटिंग्स थी सिक्योरिटी के साथ, बहुत सारी चीजें मुझे आज करनी थी, बट उन्होंने बोला कि मैं डिस्चार्ज हो गया, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो मैं कहा डायरेक्ट वहीं पे मिलूंगा मैं आके, क्योंकि यहाँ पे प्रोटोकॉल्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। अब सारी चीजें मेरे हाथ में नहीं है, तो उस चीज को प्लीज नेगेटिवली ना लिया जाए और किसी के प्रति कोई हेट ना फैलाई जाए, थैंक यू। इनके अलावा गुड न्यूज है कि फुकरा इंसान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका है, ऑल्सो उसका फैमिली का पास भी पहुंच चुका है। चलिए अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं, क्यारी मिनाटी के बारे में। तो अभी क्यारी मिनाटी एक क्यूएनए वीडियो शूट करने वाला है। तो ये क्यूएनए वीडियो किस टाइप का होने वाला उन्होंने बताया, आप खुद देख लो उन्होंने क्या कहा। क्यूएनए इज बैक। तो भैया इस बार हम थोड़ा अलग कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग खुद अपनी वीडियो बनाओ, बकवासी करो, जो तुम्हारी मर्जी है वो करो, मुझसे सवाल पूछो और उनका मैं जवाब दूंगा। बस तुम्हें इस फोन पे जाके टैप करना है और वहां पे जाके तुम्हें ऑप्शन मिल जाएगा वीडियो भेजने का। तो वीडियो रिकॉर्ड करो, उसके अंदर अपना क्वेश्चन पूछो और फिर भैया टेक्नो गेमर के बारे में। तो अभी टेक्नो गेमर अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया, जिस वीडियो में उन्होंने काफी सारे मोबाइल को ले लेके इंडिया का फ्लैग बनाया। आप लोगों को वीडियो को छोटा सा क्लिप दिखा दे रहा हूं, आप लोग देख लो, फुल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फाइनली पूरा सेटअप रेडी हो चुका है और अब बारी है इस फ्लैग को रिवील करने की। आप लोग देख ही सकते हो इस टाइम पर कितनी ज्यादा भीड़ लग गई है, नीचे वाले फ्लोर से लेकर ऊपर वाले फ्लोर तक हर जगह लोग इसे देखना चाहते हैं कि आखिर इस पर्दे के पीछे क्या है। इसके बाद भी बहुत सारी मस्त मस्त डांस परफॉर्मेंस लोगों ने बहुत एंजॉय करा एंड फाइनली लावा और हमें मिल गया हमारा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। कांग्रेचुलेशंस फॉर द लार्जेस्ट एनिमेटेड मोबाइल फोन मोज़ेक बाय लावा। कैन वी हैव अ बिग बिग राउंड ऑफ अप्लॉज़। चलिए अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं बीस्ट बॉय सूप के बारे में। तो अभी बीस्ट बॉय सूप का चैनल पे एक स्ट्राइक आ चुका है। सो इसी के रिलेटेड उन्होंने आज एक ट्वीट किया, जिस पर उन्होंने लिखे टीम यूट्यूब द स्ट्राइक इज स्टिल देयर ऑन द चैनल एंड आई एम अनएबल टू अपलोड और गो लाइव, इट्स बीन टू डेज ऑलरेडी, कैन समवन डू समथिंग अबाउट दिस प्लीज। तो आई होप कि उसका स्ट्राइक काफी जल्दी हट जाए। चलिए अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। तो अभी ट्रिगर्ड इंसान रिसेंटली लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, तभी उन्होंने बात किया ट्विटर्स के
बारे में। तो उन्होंने बोला है कि उसका मम्मी का फेक आईडीज अभी ट्विटर्स में बहुत लोग बना रहे हैं, उसके ऊपर ट्वीट्स वगैरह कर रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने रिएक्ट किया। तो उन्होंने क्या कुछ बोला आप खुद देख लो। पे एक मम्मी के नाम के ना बहुत सारे फेक अकाउंट्स बने, मैंने भी देखा। तो दिस इज टू क्लियर एवरीथिंग आउट देयर, मेरी मम्मी ट्विटर पे है ही नहीं, उनके पास ट्विटर है ही नहीं, मैंने कभी उनको इंस्टॉल ना ही करवाया ना करने दिया, ठीक है। तो वो ट्विटर पे है ही नहीं, उनके बहुत सारे फेक अकाउंट्स बन रखे हैं और वो फेक अकाउंट्स जो है कुछ भी रैंडम कुछ भी शेयर कर देते हैं, एंड मैंने 3-4 बार कमेंट भी करा है कि ये फेक अकाउंट। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, कुछ अपडेट था, आई होप आप लोगों की वीडियो को पसंद है। अगर पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आप लोगों से मिलते एक न्यू वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।